पैदा होते ही बच्चा बना डिप्टी सीएम। माँ ने कहा बेटा तुम ब्रजेश पाठक बनना। डिप्टी सीएम पाठक ने लगाया फोन तो हिल गया जिला, निकल गई सबकी हेकड़ी। अब यूपी में दो योगी हैं, एक योगी 24 घंटे समय देते हैं, दूसरा ऑन द स्पॉट। 2014 में बीजेपी में एक मोदी थे, फिर बीजेपी को मिले योगी, फिर योगी को मिले ब्रजेश पाठक और पाठक जी ने बदल दी यूपी की कहानी। डीएम सीएमओ जब काट रहे थे कन्नी तब ब्रजेश पाठक ने फोन पर निकाल दी हेकड़ी। एक माँ दर्द से करा रही थी, बच्चा जब तक पैदा होने वाला था लेकिन यूपी के हमीरपुर में किसी ने नहीं सुनी। महिला अस्पताल गई तो डॉक्टर्स ने भगा दिया, फिर महिला हमीरपुर के डीएम ऑफिस के चक्कर काटती रही, महिला की किसी ने नहीं सुनी। फिर किसी ने एक वीडियो बनाया और वो हुआ जिसकी आज सब तारीफ कर रहे हैं। किसी गरीब का कोई नहीं है तो आप डिप्टी सीएम से संपर्क करिए, वो मसीहा बनकर आपकी मदद करेंगे, फोन करेंगे, फिर वही डीएम और वही सीएमओ हांफते हुए आपकी मदद करेंगे। कुछ दिन पहले हमीरपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक माँ को कितना दर्द होता है ये सब जानते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम नहीं जानता। पहले आप सुनिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कैसे मदद की, फिर बताते हैं उस पैदा होने वाले बच्चे को लोग क्यों कहने लगे जूनियर डिप्टी सीएम। महिला सरकारी अस्पताल पहुंची, डॉक्टर्स ने आनाकानी की और महिला की डिलीवरी करवाने से मना कर दिया। महिला की हालत ठीक नहीं थी, डिलीवरी क्रिटिकल थी, लेकिन ना तो सीएमओ से मदद मिली न ही डीएम साहब से। डिप्टी सीएम ने फोन कर सबसे पहले सीएमओ की क्लास लगाई, फिर पूछा यूपी में ऐसे कैसे राम राज्य की स्थापना होगी। डिप्टी सीएम के फोन के बाद डीएम जांच में जुट गए, सीएमओ फाइल खोजने लगे। उधर माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। माँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एहसान कभी नहीं भूले, इसके लिए उसने पैदा हुए अपने बेटे का नाम ब्रजेश रख दिया। अस्पताल में लोग जूनियर डिप्टी सीएम कहने लगे, बच्चा बड़ा होगा तब तक ना जाने ब्रजेश पाठक कहाँ होंगे, लेकिन ये कहानी वो बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा कम होता है जब नेताओं और मंत्रियों के नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम रखें। लोग सचिन, राहुल, महेंद्र, शाहरुख, सलमान नाम रखते होंगे, लेकिन अब दौर बदल गया है, क्योंकि ठीक 3 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ जब एक महिला ने मोदी के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख दिया था। दरअसल तब 3 साल पहले यूपी के गोंडा जिले में एक मुस्लिम महिला ने बच्चे का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी रखा। मोदी के नाम का बच्चा बड़ा होकर कुछ बने या न बने, लेकिन लोग उसे बताएंगे जरूर मोदी कौन है। ऐसे ही ब्रजेश पाठक की लोकप्रियता बढ़ रही है। योगी के बाद यूपी में पाठक की चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके काम करने का तरीका सबको पसंद आ रहा है। कौन डिप्टी सीएम फोन करता है कि एक महिला को अस्पताल में भर्ती करो, कौन छापा मारता है। ऐसा रहा तो डिप्टी सीएम एक दिन यूपी में योगी होंगे और योगी दिल्ली में मोदी होंगे, क्योंकि बदलते दौर में जो जनता की सेवा करेगा वो जनता का नायक होगा। बच्चे का नाम डिप्टी सीएम के नाम पर रखा गया तो वो गदगद हो गए। ट्विटर पर लिखा, नवजात शिशु का नामकरण ब्रजेश कर आप द्वारा जो स्नेह और अपनत्व प्रकट किया गया उसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। आप सभी का स्नेह और प्रेम ही हमारी वास्तविक पूंजी है, मेरी ताकत है। जब भी हमीरपुर आना होगा तो बच्चे से अवश्य मिलूंगा, मैं बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उप मुख्यमंत्री ट्वीट के बाद बच्चे के पिता अखिलेश और माँ को एक और खुशी मिली। उनका कहना है कि सौभाग्य की बात है कि डिप्टी सीएम ने बेटे के नामकरण पर बधाई दी और बच्चे से मिलने आने को कहा है, वो उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। डिप्टी सीएम ने जो किया उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।